सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीएम डोनर सेलिब्रेशन। देखिए, अपने आप में पहला एक ऐसा इवेंट है जो कंपनी आप लोगों के बीच में, आप लोगों के जॉन में आके करने जा रही है, जहां पर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे उन सभी अचीवर्स का जो कि अप्रैल, मई और जून के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। तो मैं बात करूं, अगर आरसीएम जोनल सेलिब्रेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहली चीज के हम अपने उन सभी साथियों को एक बहुत क्लियर विजन देना चाहते हैं जो आज फील्ड के अंदर अचीवमेंट्स ले रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले टाइम में नेक्स्ट जोनल के लिए वो अपने कैसे अपने लिए वो बड़े गोल सेट कर सकते हैं, वो एक माइंडसेट हमें उनको वहां से देना है। और साथ ही साथ उन सभी अचीवर्स का सेलिब्रेशन हम वहां पे उनके घर में उनकी फैमिली के साथ उनके जोन के अंदर करने वाले हैं। तो वो एक शानदार इवेंट्स होने वाला है जहाँ पर हम लर्निंग के साथ साथ सेलिब्रेशंस का मजा लेने वाले हैं, अवार्ड्स के साथ में वो सारी चीजें होने वाली है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग वहाँ पे उस जोनल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल, मई और जून के अंदर जो भी साथी टोटल अपने सेल्फ आईडी पे 4,500 PV करते हैं, वो उसके लिए क्वालिफाई होंगे। या फिर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट अनाउंस हुआ था, तो हमारे लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जून मंथ के अंदर जो अभी चल रहा है, अगर कोई सेल्फ आईडी पर 2,000 PV भी कर लेता है तो वो भी उस जोनल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए एलिजिबल होगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी जून मंथ के अंदर जो नई ज्वाइनिंग्स आ रही है, जो नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर जो हमारी पुरानी टर्मिनेट आईडी थी, अगर वो रीएक्टिवेट होती है 1,000 PV से, नई ज्वाइनिंग और हमारी टर्मिनेट आईडी अगर रीएक्टिवेट हो रही है 1,000 PV से, तो ये सभी के सभी साथी हमारे जोनल सेलिब्रेशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इन जोनल सेलिब्रेशन में क्या होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अवार्ड्स मिलने वाले हैं, रिकग्निशन होने वाले हैं, उनके क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम करने वाले हैं हमारे क्लब सेलिब्रेशन, जिसमें हमारे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब अचीवर्स, इन जोनल सेलिब्रेशन में सिर्फ उन्हीं साथियों का सेलिब्रेशन होगा जिन्होंने अप्रैल 2024, मई 2024 और जून 2024 में अपने 12 महीने कंप्लीट कर लिए, मतलब अपना क्लब का 1 साल पूरा कर लिया, उन साथियों के तो वहां होंगे। बाकी जो भी हमारे साथी जो अचीवर्स हैं, उन सभी का जो सेलिब्रेशन है वो आपका एज इट इज, जैसे हमारा भिलवाड़ा के अंदर होता है आरसीएम जोश पे, जो हमारा डायमंड क्लब सेलिब्रेशन होता है वहीं पर उनका किया जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज के लिए भी हाईएस्ट परचेजर रिकग्निशन रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टॉप 3 परचेजर हमारे जो जॉन वाइज हैं, जैसे न्यूट्रोचार्ज हो गया, की सोल्स हो गया, गामा ओरिजिनल हो गया, हरित संजीवनी हो गया, तुलसी पेंट हो गया, गुड डॉट हो गया, तो इन सारों का भी सेलिब्रेशन वहाँ पे किया जाएगा। स्वेच्छा पूर्ण हो गया, इसी तरह टॉप अचीवर्स हो गए हमारे, ऑल प्रोडक्ट्स के टॉप 3 अचीवर्स हो गए हमारे, हाइजीन प्रोडक्ट के, तो ये सारे के सारे जो हैं जोन वाइज इनके टॉप 3 के सेलिब्रेशन वहाँ के होंगे, जिनको वहाँ पे ट्रॉफी प्रदान की जाएगी स्टेज के ऊपर। अब आ जाते हैं हम टॉप 3 हमारे जो स्टोर्स हैं, हमारे जो डिपोज हैं, जैसे हमारे PUC हो गए टॉप 3, टॉप 3 डिपोज हो गए, टॉप 3 कैसो हो गए, टॉप 3 हमारे वंडरवर्ड हो गए, टॉप 3 हमारे तुलसी पेंट स्टोर हो गए, और साथ ही साथ हमारे टॉप 3 होम डिलीवरी स्टोर्स हो गए। तो इन सभी स्टोर होल्डर्स का भी वहां पर रिकग्निशन किया जाएगा, उनको भी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इनके लिए भी अगर क्राइटेरिया की बात करूं, तो ये जो है वो अप्रैल, मई और जून के अंदर उनकी जो टोटल सेल है वो काउंट की जाएगी, तो उसके बेसिस पर टॉप 3 का निर्धारण किया जाएगा। तो उन सभी लोगों का भी वहां पर सेलिब्रेशन होना है। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे अचीवर्स की ओर। तो अगर सबसे पहले बात करूँ, हमारे जितने भी टेक्निकल अचीवर्स हैं, जो पहली बार अप्रैल, मई और जून के अंदर नए टेक्निकल अचीवर्स बने हैं, उनका सेलिब्रेशन वहां पे होना है। और साथ ही साथ जो हमारे पुराने जो अचीवर्स थे, टेक्निकल अचीवर्स, अगर वो अपनी हाईएस्ट पिन से अपना पिन को अपग्रेड करते हैं अप्रैल, मई और जून के अंदर, तो उन सभी साथियों का भी वहां पर रिकग्निशन होना है। अब आ जाते हैं रॉयल्टी टेक्निक अचीवर्स के अंदर। तो हमारे जितने भी नए रॉयल्टीज अप्रैल, मई और जून के अंदर आए हैं, उनका सबका वहां पर रिकग्निशन होगा। और साथ ही साथ जिन्होंने अपनी पिन अपग्रेड की है हाईएस्ट पिन लेवल से लास्ट से, तो उनका भी अप्रैल, मई और जून में जिनके जिनके वहां पर पिन अपग्रेड हो रहे हैं, उन सभी साथियों का वहां पर स्टेज पर रिकग्निशन किया जाएगा जोन वाइज। वाइटल अचीवर्स के लिए हमने लकी ड्रॉ का ऑप्शन रखा कि हमारे जितने भी न्यू वाइटल अचीवर्स या जिन्होंने अपने लास्ट लेवल से अपने लेवल को अपडेट किया है, उन सभी साथियों का जोन वाइज वहां पर हम हर एक जोन के अंदर लकी ड्रॉ निकालेंगे, जिसके अंदर 10 स्मार्टफोन हर जोन के अंदर ओपनर से लेकर स्टार लेवल तक के लोगों के लिए वहां पे लकी ड्रॉ निकलेगा और उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसी तरह अभी हमारा तेजस और बुनियाद जो कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर जो भी लोग क्वालिफाई होते हैं, जैसे 4,500 PV करके अगर वो जोनल एंट्री के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, 7,500 PV करके वो टी शर्ट प्लस डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ क्वालिफाई हो रहे हैं, अगर 15,000 PV, तो ये जो भी टारगेट है अगर वो 30 जून तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका वहां पर सेलिब्रेशन भी किया जाएगा और उनकी एंट्री भी वहां पर होगी। लेकिन ये जितने भी साथी हैं जो तेजस और बुनियाद कोर्स कर रहे हैं, अगर वो
अपना वहां पर सेलिब्रेशन करवाना चाहते हैं और उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाए तो वहां पर उन्हें तेजस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि ये माना जाएगा कि ये तेजस से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बेसिस पे उनका वहां पे सेलिब्रेशन होना है। तो तेजस मेन के टारगेट भी आपको पता है 7,500 PV के ऊपर में जोनल के अंदर उनका डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ में एंट्री अवेलेबल है। 15,000 PV अगर वो कर लेते हैं तो टी शर्ट्स के साथ में उनका डिजिटल सर्टिफिकेट और जोनल में एंट्री है। 30,000 PV करते हैं तो वहाँ जैकेट के साथ में डिजिटल सर्टिफिकेट और जोनल में एंट्री है। 75,000 PV करते हैं तो ट्रॉफी के साथ में उनका डिजिटल सर्टिफिकेट वहाँ पे होगा। और ये सारे के सारे जो रिवॉर्ड्स है ट्रॉफी के अलावा, वो सारे के सारे आपको बाइक कूरियर आपके घर पर सेंड किए जाएंगे। इसी तरह हमारा जो उड़ान अभियान चल रहा है उसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे टारगेट अचीवर्स होंगे उन सभी का भी वहां पर रिकग्निशन किया जाएगा और उनके जो भी अचीवमेंट के जो उनके रिवॉर्ड्स हैं वो उनको बाइक कूरियर उनको भेजे जाएंगे। निर्जराय निर्भय जितने भी हमारे बीच में हैं उन वो सारे के सारे जोनल्स के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं, उनका भी हर वहां पे स्टेज के ऊपर सम्मान किया जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे 4 जोन कौन कौन से। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 जोन हमने जो डिसाइड किया है, सबसे पहले ईस्ट जोन जो बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और झारखंड हो गए। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूँ तो आसाम एंड अपर साइड के हमारे 7 स्टेट हो गए। नॉर्थ एंड वेस्ट जोन को मिला के हमने सेंटर जोन किया है, जिसके अंदर पहले यूपी, हरियाणा, जे एंड के, उत्तराखंड, पंजाब, HP, दिल्ली और चंडीगढ़, ये आपके नॉर्थ जोन हो गए। और सेंटर की बात करूँ तो महाराष्ट्र, MP, गुजरात, राजस्थान, दादर एंड नगर हवेली, गोवा एंड दमन जो हो गए। और साउथ की अगर बात करें तो हमारे जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप हो गए। अब यहाँ पर हमारे जो जोनल सेलिब्रेशन होने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और जोनल वो सबको एज अ सेलिब्रेशन ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ जोनल सेलिब्रेशन सिर्फ 4 होने जा रहे हैं पैन इंडिया में, जिसमें पहला होने जा रहा है 4 अगस्त को कोलकाता के अंदर बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर, उसका वेन्यू हो गया वेस्ट बंगाल के अंदर जो ईस्ट जोन में है। दूसरा हमारा जो है नॉर्थ एंड वेस्ट को मिला के जो सेंट्रल जोन में होने जा रहा है वो 17 अगस्त को आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा के अंदर होने जा रहा है। तीसरा हमारा जो जोनल सेलिब्रेशन है वो होने जा रहा है साउथ के अंदर कोच्चि, केरला में 25 अगस्त को। और चौथा और हमारा लास्ट जो जोनल सेलिब्रेशन वो होने जा रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 सितंबर को द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय गुवाहाटी आसाम के अंदर। तो ये हमारे 4 जोनल सेलिब्रेशन हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जोनल सेलिब्रेशन के अंदर स्पेशली हमारे रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर जो भी हैं वो सभी साथी अगर क्वालिफाई हैं तो उनका कपल एंट्री वहां पर अलाउ है। वो अपने अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ आ सकते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ में वहां पर एंट्री ले सकते हैं जोनल सेलिब्रेशन में। और स्पेशली हमारे जितने भी टेक्निकल अचीवर्स हैं वो सभी साथी किन्हीं भी 2 जोनल सेलिब्रेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करके जहां पर भी उनकी टीम है वहां पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन अभी हमारे जोनल सेलिब्रेशन और हमारे ULP प्रोग्राम जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन दोनों के ओपन हो चुके हैं। आप जैसे ही अपनी रजिस्ट्रेशन अपना लॉगिन आईडी खोलते हैं एसोसिएट बायर आईडी, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला जोनल सेलिब्रेशन रजिस्ट्रेशन और दूसरा ULP प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ सवाल फील्ड से आए थे कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि हो सकता है कि जिसका आईडी तो लगा हुआ है, एड्रेस प्रूफ जो है वो राजस्थान का है और आज की डेट में करंटली वो या तो बिहार में रह रहे हैं या किसी और अदर स्टेट में है, और वो चाहते हैं कि वही के लोकल स्टेट के अंदर जाके अपना जोनल सेलिब्रेशन या फिर वो अपने ULP प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि वो जब अपना रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उस टाइम सबसे पहले वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उस स्टेट में जो भी सिटीज है जहाँ पर की प्रोग्राम हो रहे हैं उनको सेलेक्ट करके वहां पर वो जा सकते हैं। कोई भी एसोसिएट बायर एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा किसी भी इवेंट के लिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। अब आ गए हमारे ULP प्रोग्राम, जहाँ जो हमने इसका दिया है थीम अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, जहाँ पर आकर हमारे नए एसोसिएट बायर साथी और हमारे सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप की नॉलेज वाइज अपडेट कर सकते हैं और RSIM के अंदर कैसे आने वाली जर्नी उनके लिए काम करने वाली है और कैसे वो अपने आप को वहाँ पर अचीवमेंट का हिस्सा बना सकते हैं, वो एक बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है। तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए होने वाली है। इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले नॉर्थ जोन के अंदर जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले हैं, सबसे पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया हमारा 21 जुलाई को अमृतसर, पंजाब के अंदर। वेन्यू का अगर नाम बात करूं तो SG ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी है। उसके बाद 25 अगस्त को हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला मॉडर्न स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 17 फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। तीसरा प्रोग्राम हमारा होने वाला है 1 सितंबर को होटल ट्रिब्यूट रेंट LAC देहरादून उत्तराखंड के अंदर। चौथा प्रोग्राम हमारा होने वाला है 8 सितंबर को गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर UP के अंदर। और पांचवा प्रोग्राम हमारा नॉर्थ जोन में होने वाला है
22 सितंबर को होटल रोज कैस्टल जींद हरियाणा के अंदर। तो ये हमारे नॉर्थ जोन के 5 इवेंट हो गए प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम, जहां पर कि आप अपना को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया जो हमारा जोनल के लिए था, सेम वही क्राइटेरिया आपका इन प्रोग्राम्स के लिए भी रहने वाला है। अगले जोन की अगर मैं बात करूँ, ईस्ट जोन में अगर हम आते हैं, तो ईस्ट जोन का सबसे पहला प्रोग्राम 14 जुलाई को मैथन मैरिज पैलेस रांची झारखंड के अंदर होने वाला है। दूसरा प्रोग्राम 21 जुलाई को होटल आरबी पैलेस बहरवा झारखंड के अंदर होने वाला है। तीसरा प्रोग्राम हमारा 25 अगस्त को रेल ऑडिटोरियम भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर होने वाला है। चौथा प्रोग्राम हमारा 1 सितंबर 2024 को श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल पटना बिहार के अंदर होने वाला है। पांचवा प्रोग्राम हमारा ईस्ट जोन का 8 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। और हमारा लास्ट प्रोग्राम जो है ईस्ट जोन का, वो होने वाला है 22 सितंबर को रविंद्र भवन कृष्णा नगर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये ईस्ट जोन के अंदर हमारे 6 इवेंट हो गए प्रोडक्ट रनिंग के। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जहाँ पर कि 2 प्रोडक्ट रनिंग प्रोग्राम होने वाला है। पहला 20 जुलाई को होने वाला है प्राग ज्योति ऑडिटोरियम के अंदर गुवाहाटी आसाम में, और दूसरा होने वाला है 22 सितंबर को टीडीए कल्चरल सेंटर तिनसुकिया आसाम के अंदर। आ जाते हैं नेक्स्ट जोन में, साउथ जोन के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो वहां पर भी हमारे 5 प्रोग्राम होने वाले प्रोडक्ट रनिंग का। पहला 21 जुलाई को होटल ओशियन बाय विस्टा विशाखापट्टनम आंध्रा के अंदर। दूसरा होने वाला 4 अगस्त को होटल न्यू नालंदा कोझिकोड केरला में। तीसरा प्रोग्राम होने वाला है 1 सितंबर को देवन्या प्रवीण पब्लिक लाइब्रेरी हॉल चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। चौथा प्रोग्राम हमारा होने वाला 8 सितंबर को, यह है सवाई गंधर्वा हॉल हुबली कर्नाटका। और लास्ट प्रोग्राम हमारा होने वाला है साउथ जोन के लिए, जो कि 22 सितंबर को होगा, ये हो गया हमारा सुनंदरिया विनग्या केंद्रम हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। आ जाते हैं नेक्स्ट जोन की ओर, वेस्ट जोन में, जहां पर आप देखोगे 4 प्रोग्राम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। पहला 21 जुलाई को IITM ऑडिटोरियम ग्वालियर MP के अंदर। दूसरा 28 जुलाई को होने वाला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तीसरा प्रोग्राम होने वाला है 1 सितंबर को कविवर सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर महाराष्ट्र में। और लास्ट चौथा प्रोग्राम होने वाला है 22 सितंबर को धरनीधर गार्डन कोटा राजस्थान के अंदर। तो ये सारे हमारे जोनल के साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए। तो इन सभी के अंदर हम सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर किसी का कहीं अलग स्टेट के अंदर है ना, वहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो जैसा मैंने बताया, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहां पर आप पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आप वहां पर उस जोन में जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, वो सिटी सेलेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी तैयारियां आपके लिए हैं, बस आपका सहयोग, आपका साथ और आपका पार्टिसिपेशन इस लक्ष्य को बड़ा बना सकता है, आपकी तैयारी को और बड़ा कर सकता है। और जोनल इवेंट में हमारे अपनों के साथ में हम अपने आप को, अपने अचीवर्स को सेलिब्रेट होता हुआ देख सकते हैं।